मेरी ज़्यादा टॉपिक क्रॉसिंग ओवर। आज हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर को रिकम्बिनेशन भी कहते हैं एक तरह से। तो ये जो टर्म है क्रॉसिंग ओवर वॉज एक्चुअली बाय यस्टरडे किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने करा था, मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व अ फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस। क्रॉसिंग ओवर फिजिकल एक्सचेंज होता है, जैसे कि कोई दो क्रोमोसोम होते हैं ऐसे कैसे क्रोमोसोम में, तो आधा इसका लिंक इधर से आधे से लिंक जुड़ जाएगा, तो क्रॉस एक दूसरे से क्रॉस जब होगा थोड़ा सा चेंज होगा, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिजिकली ये एक्सचेंज देता है, इसके बीच में होमोलॉगस एक ही सेम तरह के क्रोमोसोम के बीच में मियोसिस के टाइम ऑब्जर्व इन चेस्टमेटा ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। हम ये चेस्टमेटा में ऑब्जर्व करते हैं प्रोफेज के पहले मेयोटिक डिवीजन के टाइम हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब पहले तो हम थोड़ा सा अच्छे जान लेते हैं कि जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर पे, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर पे अफेक्ट करते हैं। पहला हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जीन के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो फैक्टर अफेक्ट करता है। सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, जब ऑर्गेनिज्म के बीच में सेक्स होता है तो कि जब दो ऑर्गेनिज्म बन बोथ मेल एंड फीमेल आर मेट विथ ईच अदर देन देयर क्रोमोसोम्स आर इंटरचेंज्ड। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट किया कि जब मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो जो मतलब उसमें क्रोमोसोम में डिसऑर्डर अपेयर होते हैं, कैसे कि जो डिसऑर्डर अपेयर होते हैं जब हमारे क्रोमोसोम के अंदर पता तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर इंटरनली हुआ टेम्परेचर की वजह से क्रोमोसोम में चेंजेस आ सकती हैं। केमिकली, अब केमिकल कैसे हुआ, केमिकल इस तरह से होता है कि जैसे कि कोई भी केमिकल मटेरियल हो, जैसे कि हम लेबोरेटरी में जाते हैं जैसे कि अमीनो एसिड डीएनए लिंकेज है, तो डीएनए में जो हमारे थोड़ी चेंजेस होती हैं उसे कहते हैं केमिकल डीएनए। अमीनो एसिड जब हम कहते हैं एक कोई अमीनो एसिड हमारा जब वो रिसेसिव हो जाता है, नहीं वो शो करता है अपनी एक्टिविटी, तब उसमें चेंजेस हुआ। क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोम में जो क्या कहते हैं कोई मतलब प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, जैसे कि आप कह सकते हैं क्रोमोसोम है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी बिहेव कर रहा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई क्रोमोसोम में देखते हैं डिसअपेयर होने लगा, इसी वजह से क्रोमोसोम के जब इन बॉर्न मतलब बेबी बिन बॉर्न बेबी रहता है तो उसमें जब होती हैं प्रॉब्लम जैसे कि आप ले लेते हैं अब नॉर्मल ह्यूमन बीन आ जाते हैं, जैसे कि एक्स ओ टर्मिनल सिंड्रोम्स आते हैं, इस तरह के वो क्रोमोसोम एब्रिवेशन होता है। एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो एज में कैसे हुआ, जैसे कि आगे अगर फ्यूचर इवोल्यूशन होता है, टाइम लग जाता है, एजेस होते बढ़ते हैं, तो उसी तरह हमारे क्रोमोसोम में भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है हर 6 महीने पे चेंज होता रहता है। आयनाइजेशन रेडिएशन, जब हमारा रेडिएशन इफेक्ट, हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन को कितना बड़ा इफेक्ट करता है, रेडिएशन जब इफेक्ट होगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। एक ना एक हमारे मतलब कोई ना कोई अमीनो एसिड पे हमारे रहते हैं वो वर्क नहीं करता, मतलब खुद हाइडन हो जाता है, उसकी एक्टिविटी अपने आप लैक होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें डीएनए पे भी इफेक्ट होता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि आते हैं क्रॉसिंग ओवर पर डिपेंड होते हैं। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। अगर आप दो लेवल में होता है, एक क्रोमोसोम लेवल जो कि क्रोमोसोम को डिपेंड करता है और एक डीएनए लेवल जो कि जेनेटिक होता है। क्रोमोसोम लेवल जिससे कि हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पे डिपेंड करना, जो क्रोमोसोम पे सिर्फ डिपेंड करेगा
तो पूरी बॉडी में फिर दिखेगा। और जेनेटिक भी वो पूरी उम्र सिस्टम को भी चेंज कर देगा। अगर बिटवीन नॉर्थ सिस्टर क्रोमोजोम, ये अक्सर नॉर्थ सिस्टर क्रोमोजोम के बीच में अकर होता है। एक्सचेंज नॉर्मल रेसिप्रोकल बट समटाइम अनइक्वल, ये अधिकतर वैसे तो नॉर्मल रेसिप्रोकल देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनइक्वल होता है। नॉर्मल रेसिप्रोकल जैसे कि एक क्रोमोजोम ये है कि दूसरा क्रोमोजोम ये है, तो आधा इसका चेंज हो के इधर जाएगा और आधा जो इसका है इधर जाएगा पार्ट। तो ये तो नॉर्मल देता है रेसिप्रोकल, जैसे वन रेशो वन ये है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स अनइक्वल हो गया, अनइक्वल हो जाता है किसी में ज़्यादा किसी में कम। क्रोसली रिलेटेड फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन लोकलेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोसली फिजिकल डिस्टेंस को ये लोकेट करता है किसके बीच में, जीन ऑन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये मतलब जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम पे वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस में लोकेट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर टाइप्स, क्रॉसिंग ओवर दो टाइप मतलब टाइप्स देखें तो यहाँ पे दो तरह दिखाए गए, एक सोमैटिक होता है एक जर्मिनल। सोमैटिक में हम मिटोटिक डिविजन होता है और जर्मिनल में हमारा मियोसिस जर्मिनल होता है। ठीक, अब जो हमारे ये सोमैटिक होता है यहाँ पे देख रहे हैं, सोमैटिक में सोमैटिक का दिखा रहा है, सोमैटिक और मिटोटिक डिविजन ये हमारा नॉर्मली होता है सोमैटिक सेल्स में, और ये हमारा जर्मिनल जो होता है जर्मिनेटेड सेल्स में। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल होते क्या हैं। जर्मिनल में सेल होते हैं ये जीन के केस में आते हैं, और जो सोमैटिक होते हैं ये सेल डिवीजन के केस में आते हैं। काइंड ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, सॉरी, तो क्रॉसिंग ओवर के काइंड कितने हैं। क्रॉसिंग ओवर तीन तरह का होता है, एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एक डबल क्रॉसिंग ओवर, एक मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तीन तरह के क्रॉसिंग होते हैं, फिर इनके मैकेनिज्म को देखते हैं। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग, अब सिंगल क्रॉसिंग ओवर आप पहले जानोगे क्या होता है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर जब एक सिंगल मतलब दो सिंगल क्रोमोसोम के लेकर चलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर जब डबल क्रॉसिंग ओवर में होते हैं तो मल्टीपल सेल, उसी तरह वो मल्टीपल जब करते हैं क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तब उसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज, कुछ स्टेज फॉलो करता है। स्नैपसेस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेल क्रोमोसोम ब्रेक एंड एक्सचेंज, टर्मिनाइजेशन। सिनेप्सिस में क्या होता है, सेम वही जो कोई दो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं उनमें जब चेंज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कब कब सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, जब हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है, जिसको हम जानते हैं कि जब प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें फाइव स्टेज होते हैं, तो उसके लिए जैगोटीन स्टेज में पाया जाता है। पेयर ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस मतलब एक ही तरह के पेयर के होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। ये देखिए स्नैपसिस है, सिस्टर क्रोमेटिन है, होमोलॉगस है, इनमें क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, क्रॉसिंग ओवर हुआ ये अलग अलग था, फिर क्या हुआ ये क्रोमेटिन आफ्टर एक्सचेंज, यहाँ पर फिर लेंगे जो भी इसका अलग से, और फिर उसके साथ ये आगे भी हुआ। फोर डॉटर क्रोमोसोम, यहाँ पे तक फोर डॉटर क्रोमोसोम हुआ, ये पूरा फुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा इसका इसका दूसरे वाले का पार्ट आ गया, फिर दूसरे वाले का पार्ट, यही होता है क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा। ये एक तरह से आपको ये नॉर्मल रेसिप्रोकल शो दे रहा है। वन मैटरनल हुआ था, एक पैरेंटरनल अटैक हुआ, फिर कुछ थ्योरीज भी हैं, थ्योरीज अबाउट द मैकेनिज्म
सो इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर मतलब कि उसकी जो थेरीज जो थ्योरी है क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म के, वो हैं बहुत सारी थ्योरी वैसे पे दी गई थी, और जो कुछ थ्योरी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हम लेके चलते हैं, जैसे कि हार्बर डीएनए मॉडल, स्विच मॉडल, बैलिंग हाइपोथेसिस. तो बैलिंग हाइपोथेसिस को देखिए, क्रोमोसोम को इस तरह हमने बैलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था. तो क्रोमोसोम है, इसमें अगर कहते हैं जब दो अलग अलग क्रोमोसोम है तो डुप्लीकेशन होते हैं. डुप्लीकेशन नंबर कुछ इस तरह का आया था, अलग अलग एक यहाँ पे रिकम्बाइन है, फिर लिंक नहीं है, ये दो लिंक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं. और यहाँ पर फिर जब लिंक होते हैं इस तरह का शो करता है. ये बैलिंग यहाँ पर सेंटर में भी होता है. फिर कुछ मॉडल में क्या होता है कि क्रोमोसोम एकदम स्ट्रेट, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट, फिर यहाँ पे ए है और बी प्लस है अलग सा, यहाँ पे ए और बी प्लस है, फिर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस, इस तरह का होता है क्रोमोसोम. यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफरेंट पार्ट होता है, ये अलग क्रोमोसोम का सिस्टम था, ये अलग था. तो स्विच मॉडल ले दिया था, स्विच नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने मॉडल ले दिया था. फिर हार्बर डीएनए मॉडल, हार्बर डीएनए मॉडल में क्या होता है कि दो अलग अलग पैरेंटल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो अलग अलग होते हैं उनमें जब रहते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है तो अलग वो पैरेंटल शो नहीं करते, वो अलग होते हैं. पहले तो ब्रेक होते हैं स्पॉन में, जब वो ब्रेक हुए तो ब्रेक होने का फिर वो एक्सचेंज हुए, मतलब लिंक हुए जैसे से, तो हार्ड ड्राइव डीएनए फॉर्मेशन हुआ. इस तरह से देखिए आप, देखें फिर कोवेलेंट लिंक फॉर्म, कोवेलेंट लिंक फॉर्म होता है ये सीधा था, पीएस मिक्स हो गया, मिक्स होने में रिजल्ट बनाया. ठीक है, थैंक यू.